जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर करौली गोंडा, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये इस साइड है बस। अभी बोले जैसा कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारा हाइड्रोलिक का टेस्ट था और हम लोग मतलब देकर अभी आ रहे हैं। और भाई मतलब टेस्ट कैसा गया भाई? बहुत अच्छा गया। पांच क्वेश्चन था उसमें मतलब पांच क्वेश्चन था, मतलब दस दस नंबर का एक क्वेश्चन था और उसमें सब चार किए जो हमको आ रहा था सही सही। और तुम कितना किए बताओ? हम तीन किए हैं, जैसे कि पढ़े थे नहीं, मतलब पूरा अगर पढ़े होते तो मतलब कुछ ना जरूर लिखते और इतना मतलब पढ़े थे उतना लिख दिए हैं भाई। और बहुत अच्छा लगा हमको आज टेस्ट लेकर। और देखो भाई हमारे फ्रेंड मतलब उधर भी जा रहे हैं टेस्ट देते हुए, और टेस्ट ना सही जाने की वजह से थोड़ा उदास है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और बच्चे अभी तो टेस्ट दे रहे हैं, देखिए इतने लोग आज हम लोग का जल्दी से जल्द खत्म करके जल्दी जाना है। और बस भी बहुत चला है आज, धूप भी बहुत तेज है, दिन में आए हैं मतलब 12 बज गया है, 12 से मतलब अधिक हो रहा है, लेकिन अब क्या बताएं धूप इतना तेज है। और बगल में आईटीआई भी है, देखिए आप लोग मतलब बगल में आईटीआई कॉलेज भी है हमारे यहाँ गोंडा पॉलिटेक्निक आदमपुर तरबगंज से। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, टीचर भी अच्छे हैं यहाँ हमारे मतलब पॉलिटेक्निक में, टीचर भी अच्छे हैं और हर चीज का सुविधा है वहाँ पर। और लाइफ भी मतलब रेगुलर मतलब अगर अच्छा चलता भी है। और अभी रूम पर हम लोग जा रहे हैं टेस्ट देकर। अब देखिए रास्ते में हम फ्रेंड को अपने दिखाते हैं, मतलब आगे गए हैं का मतलब रूम अच्छा गया है। आप लोग बताइए, हम सोच रहे थे कि आप लोगों का टेस्ट मतलब बेकार गया इसलिए उदास है। अब बताओ भाई मतलब गुस्सा मत होना, लेकिन अब टेस्ट बेकार गया उसका दुख होगा हम जानते हैं। मतलब आपका टेस्ट सही नहीं गया है मतलब इसीलिए आप गुस्सा हैं। कितना क्वेश्चन किए उसमें? हम क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं किए हैं, बस मुझे पता था कि हाँ जो आता है वो भी नहीं लिखे और दूसरे को लिखने भी नहीं दिए। क्या बोला तूने? क्योंकि मेरा पर्पज यही था कि मैं लिखने नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको मतलब जो आता था उसे लिखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लिखे तो दूसरे को तो भी लिखना लिखे ना लिखे। ठीक है, सोच पे क्या कह सकते हैं। ये बहुत बढ़िया टेस्ट रही है।